हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इन डिज़ाइनिंग में टाइप मिनी बार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ जाके टाइप में गया, टाइप में जाने के बाद मैंने पिछली वीडियो में आपको टैप तक बता दिया था। अब हम चलते हैं आगे। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, जो टैप हमारा होता है हम कीबोर्ड से भी मतलब ले सकते हैं। तो मैं आपको इमेज के थ्रू भी बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से टैप लेते हैं। जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे जो टैप बटन होता है, टैप से हम जितना स्पेस देना चाहें अपने टेक्स्ट में दे सकते हैं। तो जो ये जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में ये जो टैप शो कर रखा है, तो टैप के हिसाब से भी आप मतलब गैप दे सकते हैं। आप यहाँ इन डिज़ाइनिंग में अंदर जाके भी मतलब गैप दे सकते हैं। तो टाइप में जाओगे, जैसे मैंने टैप पे क्लिक किया, तो यहाँ से भी आप गैप दे सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। अब इसके बाद जैसे ये पॉइंट है हमारा, ये टूल्स है, इसमें ये बहुत हमारी हेल्प करता है। जैसे किस तरीके से हेल्प करता है, आपने कोई एरिया लिया, जैसे मैंने कोई एरिया लिया, आप यहाँ कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो जैसे फ़िलहाल मैंने लिखा अमित, AMIT अमित, इस तरीके से। अगर कोई वर्ड ऐसा है जो हमें मिल नहीं रहा है, तो फिर मैं क्या करूं? तो सबसे पहले आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, आप यहां से कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट आपको लेना है। आप यहां जो कोई वर्ड आपके कीबोर्ड में ना हो, अगर वो चीज़ आप यहां देना चाहते हैं, तो जैसे डबल क्लिक किया तो ये ऐड हो जाएगा इस तरीके से। वही चीज़ आप हिंदी में भी कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया कि कुर्ति देव भाव है, हिंदी के फ़ॉन्ट हैं, तो मैंने यहाँ कोई भी फ़ॉन्ट लिया हिंदी का। आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आ गया। अगर मैं जो भी हिंदी का वर्ड लेना चाहूँ, डबल क्लिक करूँ इस तरीके से, तो आप कोई भी हिंदी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर किसी को हिंदी नहीं आती, तो वो हिंदी इस तरीके से लिख सकता है। उसके लिए आपको फ़ॉन्ट में ऊपर जाके हिंदी का टेक्स्ट लेना पड़ेगा, वही चीज़ आपको यहाँ लेनी पड़ेगी, और आप इस तरीके से हिंदी का टेक्स्ट शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी की टाइपिंग बुक, और आप उसके माध्यम से हिंदी की टाइपिंग सीख सकते हैं। तो ये था हमारा कि हम इससे किसी भी तरह का आइकन, किसी भी तरह का टैक्स आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है स्टोरी। स्टोरी पे क्लिक करता हूँ, इसका यूज़ होता है स्टोरी का हमारा। जैसे मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, जूम करते हुए दिखा रहा हूँ मैं। जैसे मैंने जूम किया, ये अमित है मेरा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, स्टोरी पे जाता हूँ। आपने यहाँ इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से, तो आप देख रहे होंगे इसके बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। ये लाइन से गैप ये कम मतलब ये स्पेस देता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से स्पेस देने के लिए आप स्टोरी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टोरी का काम है हमारा कि जो लाइन के साथ टेक्स्ट जो सटा हुआ है उसको आप हल्का सा गैप दे के उसको और अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आगे कि आप अपना कोई भी स्टाइल शो कर सकते हैं, जो भी आपको देना है। जैसे मैंने एक न्यू लेयर्स ली, आप एक न्यू लेयर्स एक नया स्टाइल लेते हैं। न्यू लेयर्स पे जाता हूँ मैं, आपने किया यहाँ डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद ये काफ़ी सारे स्टाइल है कि हमें किस तरह का स्टाइल लिए, किस तरीके से कलर चाहिए। जैसे मैंने ये कलर फिल किया इस तरीके से, कोई भी कलर आपने दिया, ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। ओके करता हूँ तो ये स्टाइल में आ गया। मैंने नन पे क्लिक किया, ये मेरा पहला वाला इफेक्ट था, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टाइल आ गया। जो चीज़ हम टाइप में जाके यहाँ से लेंगे, वही चीज़ हमारा यहाँ शो कर रहा है। ये इसमें क्या है कि इसमें और भी ज़्यादा स्टाइल है। जैसे मैंने फिर एक न्यू लेयर्स ली, आप यहाँ गई, डबल क्लिक करता हूँ मैं इसको, मैंने यहाँ डबल क्लिक किया। तो जैसे डबल क्लिक किया, ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें। मैंने कहा फ़ोन का साइज़ मुझे बड़ा करना है, 30 नंबर फ़ोन का टाइप साइज चाहिए। मैंने टैप को थोड़ा सा कि मुझे इतना गैप चाहिए, ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से साइज़ बढ़ गया, गैप आ गया। इस पर क्लिक करता हूँ, ये नॉर्मल टैक्स है, इस पर जो मैंने स्टाइल दिया है। इस तरीके से आप पैराग्राफ स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो ये कम था थोड़ा सा, ये ज़्यादा के लिए है कि इस तरीके से आप पैराग्राफ स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो आज मेरी इन डिज़ाइनिंग में आपको वीडियो कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।